भाजपा फुल बहुमत से जीत रही है और जीत रहेगी। और ये लोग जो है, इन लोगों के पास काम तो कुछ है नहीं बुराई के सिवा। हम लोग मंडी में काम करते हैं फिर भी हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। कि बिजली जेब से थोड़ी ना दे रहा, हम आम आदमी की पब्लिकों के पैसे से दे रहा। केजरीवाल, योगी मोदी जिंदाबाद। केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल सरकार अच्छी रहती तो जेल में क्यों सड़ रहा है वो जो है ना, जो जेल में सड़ रहा है तुम्हारे वजह से सड़ रहा है। वजह से थोड़ी ना भेजा है, आप निकलवा लो। 500% जीतेगा, 500। और इसकी जो 400 पार है ना, यार अंकल जी छोड़ो, पहले इतना ज्यादा नहीं बोले, इतना ज्यादा नहीं बोलिए आप। कम से कम 450 अपनी लाइफ में ऐसा बंदा नहीं देखा और जैसा इंसान नहीं देखा। ये ना ईश्वर, ईश्वर मान रहे हैं लोग इनको। ईश्वर बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। 3 दिन से कोई दुकान बंद, कोई बंद नहीं है। आपकी दुकान बंद नहीं है ना, हमारी दुकान बंद है ना। ये भी बालाजी किचन गार्डन हमारी दुकान बंद है ना, तुम्हारी दुकान नहीं है ना। एक दिन तो हो सकता है, मैं चिल्ला नहीं रहा ना। हम अच्छा, एक मिनट, छोटे छोटे बच्चे लगा रहे हैं मोदी जी के, मोदी जी के लगान दो। इन्हें पता है कि ये तो खरीदने वाली चीज, इनकी दुकान यहाँ पर होती है ना तो ये बात नहीं बोलते। इनके आगे दुकानें मेन रोड पे होती ना तो नहीं बोलते हैं। भाजपा फुल बहुमत से जीत चुकी है और ये सीट जो है हमेशा से रिजर्व रही है बीजेपी की। कांग्रेस में ये पहले कांग्रेस में देने वाले थे, इससे पहले मायावती को देने वाले आदमी थे, फिर कांग्रेस में आए, अभी आगे बीजेपी वाले में। ये डालते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। डेटा निकाल लो, डेटा निकाल लो, कहाँ डाली कहाँ नहीं। मायावती को देने वाले वोट। अच्छा अच्छा, एक मिनट, चाचा को आपने बोला कि भतीजे को हम किसी को ना देते। योगी मोदी जिंदाबाद। एक्चुअली जो एंटी कुछ बोलता है ना तो पिया हुआ होता है। अच्छा, व्याख्यान देने वाला व्यक्ति पियकर होता है, आप इसका विजिट कर रहे हैं। वो तुम्हारे वजह से चढ़ रहा है, सारे किसने भेजा जेल में, गलत काम किया होगा तभी तो जेल में गया वो। भैया सारे रोहिंगा तो बसवादी से दिल्ली में, केजरीवाल ने ठीक है, और जो पाकिस्तान से जो मोदी जी ने उनको नागरिकता दी है उनका विरोध कर रहे हैं कि इनके लिए रोजगार कहाँ से पैदा होगा। बांग्लादेशी 5 करोड़ इंडिया में घुसे हुए हैं, रोहिंग्या के जो 5 करोड़ इंडिया में घुसे हुए वो भी साले खा कमा रहे हैं। उनको भगाने के लिए नहीं करा वो, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश से हिंदू आए हैं उनको भगाने के लिए करा हरामखोर, मतलब अपनी वोट जो है बढ़ाने के चक्कर में। अखिलेश यादव, लालू यादव, केजरीवाल, राहुल खान, इन सबका डीएनए टेस्ट करा लोगे ना तो अरब कहीं मिलेंगे, ईमानदारी से बता रहा हूँ। पता नहीं यादव किस नाम पे उनको वोट देते हैं, अखिलेश यादव को। बोलो भाई साहब, मेरी लाइफ 76 साल की और मैंने अपनी लाइफ में ऐसा बंदा नहीं देखा और इस जैसा इंसान नहीं देखा और इस जैसी मैंने वो नहीं देखा। एक बार वाजपेयी जी को देखा था, गाजियाबाद आए थे, उसमें भी इतना वो नहीं था जितना इनमें। जो ग्लो है, जो बात इनकी है ना, ईश्वर ईश्वर मान रहे हैं लोग इनको। इसमें योगी का डंका होता है, योगी और मोदी, और मोदी को ईश्वर मान रहे हैं और हम मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। बाकी और कोई पार्टी में कोई ऐसा बंदा नहीं है, हमें नजर नहीं आ रहा। इनके ऊपर आक्षेप लगा के दिखाए ना कोई पब्लिक, दिखा तो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सुबह से 2 बजे से यहाँ पे खड़े हैं। एक मरी को, हाँ हाँ, तो इतनी भीड़ है भाई साहब, खड़े रहिए ना, देखिए दूर से देखे, हमने भी देखा। मेरा यहाँ पे दुकान है, उनका आने का था 4:00 का आने का था, 2 बजे खड़े हैं, 3 बजे खड़े हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। वो 1 बजे भी कहेंगे तो 1 बजे भी खड़े होंगे, 1 दिन पहले भी कहेंगे तो खड़े होंगे। वो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, जो 24 घंटे काम कर रहे हैं उसके लिए हम 4 घंटे भी नहीं खोल सकते। आज हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सवाल और था, इनकी दुकान बंद है 3 दिनों से, इनका बहुत नुकसान हो गया। झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। 3 दिन से कोई दुकान बंद, कोई बंद नहीं है। आपकी दुकान बंद नहीं है ना, हमारी दुकान बंद है ना। ये भी बालाजी किचन गार्डन हमारी दुकान बंद है ना, तुम्हारी दुकान नहीं है ना। तीन दिन से नहीं बंद है, तीन दिन से कोई बंद नहीं है। एक दिन तो हो सकता है, यार चिल्ला रही है तो मैं चिल्ला नहीं रहा ना। हम अच्छा, एक मिनट बात रख रहा हूँ भाई साहब, एक मिनट सुनते हो आप अपनी बात रख रहे हैं। अगर इनकी दुकान यहाँ पर होती ना तो ये बात नहीं बोलते। इनके आगे दुकान है मेन रोड पे होती ना तो नहीं बोलते हैं। इनकी दुकान है यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं। कह रहे हैं इस बार भाजपा गाजियाबाद में हारेगी। भाजपा फुल बहुमत से जीत चुकी है और ये सीट जो है हमेशा से रिजर्व रही है बीजेपी की। बोलने वाले आदमी है ये सीट बीजेपी। यार डर गए यार आप तो। मैं गाड़ी उठा ले, मैं तो खड़ा हूँ। कांग्रेस में ये पहले कांग्रेस में देने वाले थे, इससे पहले मायावती को देने वाले आदमी थे, फिर कांग्रेस में आए, अभी आगे बीजेपी वाले में। ये डालते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। डेटा निकाल लो, डेटा निकाल लो, कहाँ डाली कहाँ नहीं। झूठ बोल रहा है, डेटा निकाल लो, तुम्हारे सकल पे झूठ बोल रहा है। निकाल लो, पहले 400 पार तो बोल रहा है, बात तो सुन लो, उसकी लो तो वो भी का सुनने में बात। मायावती को देने वाले वोट। अच्छा अच्छा, एक मिनट, चाचा को आपने बोला कि भतीजे को हम किसी को ना देते। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। सवाल कर लो उसके बाद आपसे पूछो। अच्छा, यूपी के अंदर योगी बाबा है, सबसे बड़ी जीत कौन से क्षेत्र में हुई?
गाजियाबाद में हुई थी। फिर आप कह रहे हो गाजियाबाद में बीजेपी हारे, इस बार तो हारनी चाहिए ना, क्योंकि एक मिनट, मेरा नाम है आशीष सैनी, मैं मालीवाड़े से हूँ, गाजियाबाद से, और हम शुरू से श्री राम के कट्टरवाद है और रहेंगे। अब बीजेपी भी खुद कह रहे बीजेपी हारनी चाहिए, हारनी इसलिए चाहिए मंदिर नहीं, फुल होश आवाज में है नहीं, उनमें ना ये वाले व्याख्या पीने वाले बात कर रहे हैं कांग्रेस की। एक्चुअली होता उत्तर भारत का फेफड़ा कहे जाने वाला हसदेव अरण्य काटा जा रहा है अडानी के लिए, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लोग बिना ऑक्सीजन के जिएंगे? आप बताइए कौन यहाँ सांस नहीं ले रहा है? लद्दाख में सोनम वांगचू अनशन पे पड़े हुए हैं, ये कांग्रेस वाले पार्टी ने सांस ले रहे हैं, हम ले रहे हैं। तो अब ये जो है ना हमारा डेटा निकलवा सकते हैं और इनका भाई का नाम और इनके सही से वीडियो बना लो। भाजपा फुल बहुमत से जीत रही है और जीतती रहेगी, और ये लोग जो है इन लोगों के पास काम तो कुछ है नहीं, इन लोगों के पास काम तो कुछ है नहीं, बुराई के सिवा सिर्फ बुराई कर सकते हैं ये लोग, इनके पास कुछ काम नहीं है। हम लोग मंडी में काम करते हैं फिर भी हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और करेंगे, सपोर्ट करेंगे ना। ये यहाँ मौजूद में भीड़ को चैलेंज करता हूँ, इन पूरे लोगों को कोई बता दे जिस धरती पे हम खड़े हैं, इस धरती के नीचे जो वाटर है, पानी है, ग्राउंड वाटर, वो कितना परसेंट बचा है, कोई बता दे? कोई नहीं बता सकता। और ये जो है ना अपनी सरकार लाने के बाद में जो गठबंधन बिखरा पड़ा चारों तरफ, जिनकी कोई बूझ भी नहीं है, जो कहते थे केजरीवाल की हाजी सोनिया गांधी को जेल में डालो और कांग्रेस को जेल में डालो, वो सब बेकार है, सब बकवास है, फ्री के बिजली कुछ नहीं है वो, इससे बढ़िया तो केजरी भी है। फ्री के चक्कर में तो ये देश बर्बाद हो रहा है। आप क्या कहेंगे बीजेपी के बारे में? फ्री का चाहिए, हमें अच्छी है फ्री का, भाई थोड़ी ना दे रहा अपने फ्री की बिजली, जेब से थोड़ी ना दे रहा हम, आम आदमी की पब्लिकों के पैसे से दे रहा केजरीवाल। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अब की बार 450 कहते हैं सारे तो किसने भेजा जेल में, गलत काम किया होगा तभी तो जेल में गया वो। भैया सारे रोहिंग है तो बसवादी उसने दिल्ली में केजरीवाल ने, ठीक है, और जो पाकिस्तान से जो मोदी जी ने उनको नागरिकता दी है उनका विरोध कर रहे हैं कि इनके लिए रोजगार कहाँ से पैदा हुआ। अरे बांग्लादेशी 5 करोड़ इंडिया में घुसे हुए हैं, रोहिंग्या के जो 5 करोड़ इंडिया में घुसे हुए वो भी तो साले खा कमा रहे हैं, उनको भगाने के लिए नहीं कह रहा, वो पाकिस्तान और जो बांग्लादेश से हिंदू आए हैं उनको भगाने के लिए कह रहा हरामखोर, मतलब अपनी वोट जो है बढ़ाने के चक्कर में के लिए। अखिलेश यादव, लालू यादव, केजरीवाल, राहुल खान, इन सबका DNA टेस्ट करा लोगे ना तो अरब के ही मिलेंगे, ईमानदारी से बता रहा हूँ। पता नहीं यादव किस नाम पे उनको वोट देते हैं, अखिलेश यादव को।